कास्तकारांना शेतीपर्यंत पोहोचणे सोयीस्कर झाले पाहिजे या दृष्टिकोनातून ग्रामखेड्यात पालकमंत्र्यांनी पांदन रस्ते बनविणे व दुरुस्ती करणे गरजेचे बनले असून विदर्भामध्ये जून ते सप्टेंबर मध्ये पाण्या पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्याधिक खराब होती, कारण शेतीची जमीन सुपीक व काळ्या मातीची असल्यामुळे त्यात पाणी साचून पांदन रस्ते खराब होतात। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने ग्रामस्थ लोकांची मागणी पांदन रस्ते बनविण्यासाठी असते, कारण वर्तमानामध्ये सोयाबीन गहू आदी काढण्यासाठी थ्रेशर व अन्य आधुनिक यंत्र शेतीपर्यंत जागेवर पोहोचवले तर पीक लवकर काढण्यास मदत मिळते व शेतकऱ्याला माल बाजारपेठेमध्ये नेणे सोयीस्कर होते। कवठा या गावापासून या पांदन रस्त्याचे सुरुवात होत आहे। प्रत्येक तालुक्यातील गरजेची प्राथमिकता लक्षात घेता संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यातील बनविण्यासाठी सरकार व प्रशासन प्रयत्नशील राहील। या प्रसंगी वर्धा जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते जेसीबी यंत्राचे पूजन करून पांदन रस्ते मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी मोठ्या संख्येने गावकरी कास्तकार उपस्थित होते। इससे बार ऐसा निर्णय हुआ था कि जिले में हर आमदार डीपीडीसी में एक विषय निकाला था कि सबसे ज्यादा मांगनी जो हो रही है वो पांदान की हो रही है। तो माननीय पालक मंत्री महोदय ने एक मीटिंग भी ली, अपने घर एक पालक मंत्री पांदान योजना बोल के आए, उसका एक अड़ावा लिए थे और उसमें कलेक्टर मैडम थे, एसडीओ साहब थे, सभी थे और ये निर्णय लिए कि हम लोग जो ये पालक मंत्री पांदान योजना है वो मोटे प्रमाण में जिले में हम ये कार्यक्रम लेंगे। तो उसका शुरुआत जो है ये आज कौठा से हम चालू कर रहे हैं। तो अब हर तालुका, हर निर्वाचन क्षेत्र में और हर तालुका में अब से मेज तक एक 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 जो प्रायोरिटी से प्रस्ताव आएंगे वैसा हम लोग पांदाना लेने वाले। एक लोक प्रतिनिधि बोल, हमारे के लिए जून से जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर में अगर कोई मांगनी आती है तो पांदान की मांगनी आती है, क्योंकि ये पूरा जो परिसर है अपना विदर्भा का ये काली माती का है और इसमें हर 15 से 20 साल के अंदर जो पांदान रहते हैं उस पे खासर जाजा के मंडी जाजा के वो कटता कट के एक नाली कैसा बन जाता है और इसमें पानी सांसता जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसको हर 15 से 20 साल में इसको फिर से वो मट्टी का पलटी मारना पड़ता। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव।